भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हैं सर, 3 तलाक बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन से पास हो गया, क्या कहेंगे? एक मध्ययुगीन कुप्रथा कल बंद हुई है। ट्रिपल तलाक की चर्चा काफी सालों से हो रही थी, पर वो बंद करने का साहस और वो बिल रखने का और पारित करने का साहस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। मुस्लिम महिलाएं, गरीब मुस्लिम महिलाएं जो तलाक से पीड़ित थी, हर घर में कोई मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बच्ची इसका पीड़ित थी, उनको न्याय देने का काम इस सरकार ने किया है। मुस्लिम समाज में बड़ा आनंद का माहौल है। आज वो धन्यवाद करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आई है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी विरोध कर रहा था इस बिल का, लेकिन उसके बावजूद ये बिल पास हो गया, उन विपक्षी पार्टियों की हार हुई है? नरेंद्र मोदी जी की कमिटमेंट थी, उन्होंने पहले 50 दिन में ये करके दिखाया। ट्रिपल तलाक बिल हम खत्म करेंगे, ये उनका मामला था। लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को गुलामी में कोई नहीं रख सकता। मुस्लिम महिलाओं में आज आजादी का माहौल है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी जी है। मैं बस छोटा सवाल कि 3 तलाक बिल पास हो गया राज्यसभा से, क्या कहेंगे? सबका बहुत बहुत आभार, नरेंद्र मोदी जी का, भाई साहब का, और खास तौर पे अमित भाई का, जिन्होंने ये करके दिखाया। जिस तरह से कांग्रेस ने राज्यसभा में इस बिल का विरोध किया है, वो उन्होंने अन्याय की व्यवस्था अब तक बढ़ाई थी, अब अन्याय समाप्त होगा। आदरणीय श्याम जाजू जी, खुलजीत जी, भाटिया जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, मैं आपको बता नहीं सकती कि कल मैं इतनी खुश थी क्योंकि जब से होश संभाला 84-85 के दौर में मैं कॉलेज में पढ़ती थी, और उस समय शाहबानो का केस हुआ तो आपको देखी, आपको बीती चीजें सामने हुई, और शाहबानो के केस को लेकर हम सब जो युवा बच्चे थे बहुत विरोध करते थे, और आरिफ मोहम्मद खान की याद मुझे तब से है, और तब से उनसे संपर्क भी है कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते, और मन में ये सब विचार, फिर वकालत की, फिर बाकी पढ़ाई की, तो हमेशा ये लड़ाई रहती थी मन में कि क्यों मुस्लिम बहनों के साथ हिंदुस्तान के अंदर अन्याय होना चाहिए। हिंदुस्तान एक जो ऐसा देश है जहाँ पे धर्म घर की चीज है, लेकिन जो कानून है, कायदा है, वो संविधान के अनुसार लागू होता है, और अगर हिंदुओं का कानून नहीं बदलता तो जो कुरीतियां मुस्लिम समाज में, वो हिंदू समाज में भी होती, क्योंकि वो सब था, पॉलीगैमी, बहुविवाह, तलाक नहीं होता था हमारे यहाँ लोग, सती प्रथा, कई चीजें थी ऐसी, तो वो सब चीजों को कानून आने की वजह से हटाया गया और समाज में सुधार आया। आज जब भी लोग बात करते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो पिछड़ापन है उसका कारण आर्थिक चीजें हैं, तो मैं उन सबको समझाना चाहती हूँ कि आर्थिक व्यवस्थाओं से पिछड़ापन नहीं होता, पिछड़ापन सोच का होता है, और अगर उस पिछड़ेपन को समाप्त करना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सक्रिय भागीदा को बढ़ाना होगा, वो तभी संभव है जब उनको न्याय मिले, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए। मेरी जितनी मुसलमान बहने हैं सबको मेरी तरफ से बधाई कि आप लोगों ने जो बीएमए में के माध्यम से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन चलाया, जिसके माध्यम से ये लड़ाई में आप जीत पाई, और लड़ाई अभी बाकी है, हम सब साथ मिलकर लड़ने वाले हैं और पूरे रूप से न्याय मिलने वाला है, ऐसी से कामना है, और सारे मुस्लिम भाइयों को भी धन्यवाद, हिंदू भाइयों को धन्यवाद, सभी भाइयों को जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, इसलिए मैं भाइयों को पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। समाज में जब भी बदलाव आता है तो पुरुषों का भी एक महत्वपूर्ण उसमें रोल रहता है, बिना पुरुषों की मदद के, बिना उनकी सक्रिय सहायता के ये काम नहीं होता। आज देखिए, पूर्व में महिला प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी थी ना महिला प्रधानमंत्री, उसके समय काल में ये सीट ठीक नहीं हुआ, बल्कि कभी अलग अलग नामों से एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बनती रही और न्याय नहीं मिला। आज एक पुरुष भाई है तो न्याय मिल गया, तो अच्छे पुरुषों की भी जरूरत है। मोदी है तो 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 मोदी है। आज हम अपने भाई नरेंद्र मोदी को आभार प्रकट करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वाकई उन्होंने भाई का फर्ज निभाया, रक्षाबंधन नजदीक है तो पूरा भाई का फर्ज निभाया।
आप सबका भी बहुत बहुत आभार। ये महिलाओं के लिए किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, ये सबसे बड़ी जीत महिलाओं की है, क्योंकि इस देश में मेरा मानना है कि सबसे बड़ा माइनॉरिटी कोई है तो वो महिलाएं हैं, और वो सब समाज की महिलाएं हैं। आप सबका आभार और बधाई। तीन तलाक हारा है, पारित हुआ है। लोग सोच भी नहीं सकते थे ये मध्ययुगीन कुप्रथा, लाखों मुस्लिम महिलाएं घर में जिसके कारण दर्दनाक हालात में थी, उन गुलामी में रह रही थी, उनको गुलामी से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दो बार राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद तब लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता थी, पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का घोर मैनेजमेंट हुआ और देश की लाखों मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, आज मुस्लिम महिलाएं रास्ते पर उतरी है, हर गली मोहल्ले में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और मुस्लिम महिलाएं ये व्यक्त कर रही है कि ये रक्षाबंधन की गिफ्ट उनको मोदी सरकार ने दी है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम ट्रिपल तलाक का कानून रद्द करेंगे, हम चाहे तो करना पड़े, हम उसके लिए कमिटमेंट हमारी थी, हम वचनबद्ध थे, पर कल हम करके दिखाया है और मुस्लिम महिलाओं के जीवन में इंसाफ देने का काम, न्याय देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सब लोग नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद। तीन तलाक हारा है, मोदी जी का सहारा है। तीन तलाक हारा है, मोदी जी का सहारा है। तीन तलाक हारा है, मोदी जी का सहारा है। आज मोदी है तो मोदी है तो मोदी है। आज जो ये ट्रिपल तलाक बिल पास हो पाया उसकी एक ही लाइन है जो भी शाम जी और सबने कही कि मोदी है तो मुमकिन है। है आज दिल्ली में सभी क्षेत्रों में आज आप देखेंगे तब जाएंगे तो मुस्लिम बहने इस ट्रिपल तलाक बिल को जो मोदी जी की एक ओवरऑल कमिटमेंट के बाद पास हुआ है उसको उत्साह के साथ मना रही हैं और हम देश की संसद तलाक आगे बढ़ाते हुए और उनके बिल का पारित करते हुए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त करके और दोनों सदनों में बिल को पारित करते हुए मुस्लिम बहनों को बहुत राहत दी है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और नई दिल्ली क्षेत्र के लोकसभा की लोकप्रिय सांसद मैम मीनाक्षी लेखी जी भी आ रही है, जिन्होंने आपने देखा कि संसद ने हर जगह इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज को बंद किया है, ना केवल लोकसभा बल्कि पूरे भारतवर्ष में घूमकर जिन्होंने इसका विरोध किया बहनों की।
इस कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है, ना केवल लोकसभा बल्कि पूरे भारतवर्ष में घूमकर जिन्होंने इसका विरोध किया है।